आपने लोगों की एक कंप्लेन अक्सर सुनी होगी कि उनका इन्वर्टर तो ठीक है पर बैटरी में बार बार प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। एक तो बैटरी पहले से ही महंगी होती है और उसकी लाइफ भी लिमिटेड होती है। इसके अलावा बैटरी का बैकअप कम होने लगता है और बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है, बैटरी ठीक से चार्ज नहीं होती और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके बैटरी की वजह से नहीं बल्कि आपके घर में लगे इन्वर्टर की वजह से होती है। नॉर्मल सोलर इन्वर्टर सर्दी और गर्मी में बैटरी को एक जैसे वोल्टेज और करंट से चार्ज करता है। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नॉर्मल सोलर इन्वर्टर जिसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन यानी कि ATC का फीचर नहीं है, इसमें एक बूस्ट वोल्टेज सेट हो जाती है, यूजली 14.4 वोल्ट। अगर किसी के घर में एक 12 वोल्ट की ट्यूबुलर बैटरी इंस्टॉल है तो ये बैटरी फुल चार्ज होने पे 14.4 वोल्ट पे आ जाती है, जिसके बाद बैटरी और चार्ज नहीं लेती। इस वैल्यू को बूस्ट वोल्टेज कहते हैं। ये वैल्यू इसलिए सेट की जाती है ताकि बैटरी ओवरचार्जिंग की कंडीशन में ना जाए। पर नॉर्मल सोलर इन्वर्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर इग्नोर कर देती है जो कि है बाहर का टेम्परेचर। इस इन्वर्टर में 14.40 की बूस्ट वोल्टेज 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट होती है, पर पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम इस चार्ट पे देख सकते हैं कि बैटरी को फुल्ली चार्ज होने के लिए 14.13 की बूस्ट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, पर नॉर्मल सोलर इन्वर्टर बैटरी को 14.40 के हाई बूस्ट वोल्टेज से चार्ज करता है, जिससे बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बैटरी का पानी सूखने लगता है, और कभी कभी बैटरी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी हानिकारक होता है। कॉन्स्टेंट हाई वोल्टेज से बैटरी चार्ज करने पर बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। जब बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो नॉर्मल सोलर इन्वर्टर बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर पाता, क्योंकि बैटरी का पानी जमना शुरू हो जाता है, बैटरी कम बैकअप देती है, और कांस्टेंट अंडर चार्जिंग की वजह से एक टाइम ऐसा भी आता है जब बैटरी कभी भी उस लेवल से ज़्यादा चार्ज नहीं हो पाती। इन कंडीशंस की वजह से हमें बैटरी को ज़्यादा बूस्ट वोल्टेज से चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, जो एक नॉर्मल सोलर इन्वर्टर नहीं कर पाता। हम इस चार्ट पे देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बूस्ट वोल्टेज 14.85 होनी चाहिए थी, पर नॉर्मल सोलर इन्वर्टर इस सिचुएशन पे भी बैटरी को 14.40 के लो बूस्ट वोल्टेज से चार्ज करता है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है ATC, जिसको सुकैम ने पहली बार पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया है। ब्रेनी इको इस टेम्परेचर वायर के साथ आता है। ये वायर आपके बैटरी के टच में रहती है। ब्रेनी इको को ये बताती है कि बैटरी के आसपास का टेम्परेचर क्या है। अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो ब्रेनी इको 14.40 के बूस्ट वोल्टेज से नहीं बल्कि 14.13 के लो बूस्ट वोल्टेज से चार्ज करता है। इससे बैटरी कभी भी ओवरहीट या ओवरचार्ज नहीं होती, बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ब्रेनी इको 14.40 के बूस्ट वोल्टेज से नहीं बल्कि 14.85 के हाई बूस्ट वोल्टेज से चार्ज करता है। इस फीचर से बैटरी की लाइफ कम से कम 6 महीने बढ़ जाती है, और किसी भी टेम्परेचर पे बैटरी की चार्जिंग हमेशा अच्छी होती है।